उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में फर्जी टीचरों की तो खबरें खूब सुनी होंगी, लेकिन एक नाम असली हो और उसी के दस्तावेज पर फर्जी तरीके से कई और शिक्षक अलग अलग जगहों पे मलाई खा रहे हो तो आप क्या कहेंगे? एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आने के बाद एसटीएफ को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी गई। जांच में अब तक 4000 से अधिक फर्जी शिक्षकों की पहचान की गई है। फर्जीवाड़े का ये अपने आप में अलग ही मामला है। किसी दूसरे के नाम पर ऐश काटना, किसी दूसरे के नाम पर आराम से सरकारी वेतन उठाना और किसी को शक भी नहीं, सब कुछ इतने शातिराना ढंग से किया गया कि बड़े से बड़े भी ना पकड़ सकें। लेकिन कहते हैं कि कभी न कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही है और आखिरकार इस गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ। ये जानना दिलचस्प है कि आखिरकार कैसे किसी दूसरे के नाम पर सरकारी खजाने से वेतन उठाया जा सकता है। खुद यूपी एसटीएफ के आईजी से सुनिए। एसटीएफ ने इसके 8 अलग अलग तरीके आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है किसी व्यक्ति द्वारा अपना एक फेक ट्रांसफर लेटर जनरेट किया जाता है और वो ट्रांसफर लेटर के आधार पर किसी एक जगह ज्वाइन करता है और बाबुओं और अधिकारियों के सहयोग से वो वहाँ से सैलरी ड्रॉ करना शुरू कर देता है। इसके अलावा विकलांग सर्टिफिकेट्स भारी संख्या में फर्जी हैं। इन विकलांग सर्टिफिकेट के बेसिस पर नौकरी ली गई है। मृतक आश्रित के आधार पर भी नौकरी पाई, बहुत लोगों ने पाई है। ये पूरा मामला अनिल यादव नाम के शिक्षक से जुड़ा है। अनिल यादव गोरखपुर में एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन अनिल यादव नाम से सीतापुर और अंबेडकर नगर में भी अलग अलग शिक्षक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे थे। इन्होंने पहली बार जब आईटीआर दाखिल किया तो पता चला कि इनके पैन नंबर से दो और टीचर भी सैलरी पा रहे हैं और उनके नाम, पिता का नाम और आधार नंबर सब वही हैं। अनिल यादव को जब पता चला तो होश उड़ गए। जब मैं अपना आईटीआर सन 18-19 में दाखिल करने गया तो जब अपने सीए को दिया तो दाखिल करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि मुझे आश्चर्य हुआ, मेरे पास इन्वेस्टमेंट लोन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, तो फिर इनकम टैक्स तो पे नहीं कर सकता हूँ, होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा ठीक है रुकिए मैं देखता हूँ। तो फॉर्म 26F जब निकाला अपना, तो उसमें पता चला कि वित्त विभाग अधिकारी सीतापुर और वित्त विभाग अधिकारी गोरखपुर दोनों के हेड से मेरे पैन कार्ड में सैलरी पोस्ट हो रही है। तब मुझे जो आश्चर्य हुआ, मुझे बड़ा चिंता हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, सीतापुर में तो मैं कभी गया भी नहीं हूँ और मैं सीतापुर कभी डॉक्यूमेंट ही जमा किया और न वहाँ नौकरी भी किया हूँ। सुना आपने, अनिल यादव कभी सीतापुर गए ही नहीं, लेकिन उनके नाम पर बकायदा सरकारी खजाने से सैलरी ड्रॉ की गई। जैसे ही अनिल यादव को पता लगा, उन्होंने एसटीएफ गोरखपुर को खबर दी, जिसने फौरन कार्रवाई की और दोषी को पकड़कर जेल भेजा। मैंने अपने एक एप्लीकेशन बनाया और एसटीएफ गोरखपुर को लेकर के रिसीव कर दिया, जिसके आधार पे एसटीएफ गोरखपुर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको सीतापुर से मेरे नाम से फर्जी नौकरी करते हुए अध्यापक को पकड़ा और अरेस्ट करके जेल भेजा। सीतापुर और अम्बेडकर नगर, जहाँ अनिल यादव ने कभी नौकरी नहीं की, वहाँ कुछ लोगों ने खुद को अनिल यादव बताकर नौकरी ज्वाइन कर ली। फिर अखबार में अनिल यादव के नाम से इश्तहार दिया गया कि उनकी सारी डिग्री खो गई है। फिर उसी एड की कटिंग लगाकर अनिल यादव के नाम से डुप्लीकेट डिग्री बनवा ली गई। उन डिग्रियों को जहाँ नौकरी ज्वाइन की वहाँ वेरीफाई भी करा लिया। यही नहीं, अनिल यादव के नाम से फर्जी आधार और पैन नंबर भी बनवा लिया गया। लेकिन जब अध्यापकों के लिए इनकम टैक्स भरना जरूरी किया गया तो तीनों लोगों की सैलरी जारी होने से मामला पकड़ में आ गया। मामला सामने आने के बाद यूपी शिक्षा विभाग भी हरकत में आया है और कार्रवाई की बात कर रहा है। इसमें शिकायतें प्राप्त हुई थी कि लोग फर्जी डिग्री लेके और नौकरी कर रहे हैं हमारे यहाँ परिषद के विद्यालयों में शिक्षक के रूप में, तो उनकी पहचान की गई। इसमें SIT का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन्होंने ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक हमें सूची दिया। और जो भी फर्जी पाए जाते हैं उनकी पहले तो उनकी सेवा समाप्त की जाए, उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराया जाए, पुलिस में
FIR दर्ज करा के, ताकि जो प्रावधान है इस तरह के उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो और उनको जो वेतन भुगतान हुआ है इस दौरान उसकी रिकवरी भी उनसे की जाए। एसटीएफ ने बताया कि यूपी में फर्जी डिग्री, दूसरों के नाम पर फर्जी विकलांग प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण पत्र, एडेड स्कूल और मृतक आश्रित का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर शिक्षा विभाग की मिलीभगत से नौकरी ली गई। काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने किसी अन्य की सर्टिफिकेट लेकर के नौकरी करनी से प्रारंभ कर दी अथवा फेक सर्टिफिकेट्स बना करके नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं किसी अन्य की आइडेंटिटी पर नौकरी कर रहे हैं और इनको पकड़ने के लिए एसटीएफ इनोवेटिव तरीके निकाल रही है और काफ़ी संख्या में इन इनोवेटिव तरीकों से इनको, इन फेक टीचर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। ऐसे एक नहीं दर्जनों मामलों का पुलिस ने खुलासा किया। मथुरा में 124, सिद्धार्थ नगर में 97 फर्जी अध्यापकों के मामले सामने आए हैं। एसटीएफ जिसने छोटा मामला सोचकर जांच शुरू की थी उसने बाद में पाया कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। उत्तर प्रदेश में करीब 125,000 प्राइमरी टीचर हैं, जिनमें 2 करोड़ बच्चों को 6.25 लाख टीचर पढ़ाते हैं। जाहिर है शिक्षा विभाग में फैले फर्जी नियुक्ति का मकड़जाल कितना खतरनाक है आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। सवाल ये है कि आखिर कैसे देश का भविष्य सुरक्षित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।